we are starting with our main concept, obviously chapter number 3. और chapter number 3 हमारा है information system and its components. ठीक है? Now सबसे पहले हम लोग start करेंगे obviously जो basic part है information system से. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले start करो information system को साथ में learn करने से अच्छा है as a commerce student. No, we should always remember कि जब भी कोई topic हमें tough लगता है तो we should divide that topic into two parts. समझ में आ रहा है? छोटे-छोटे parts में divide कर दो. So it will be easy to understand. So अब देखो मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर आप देख सकते हो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, कौन से दो पार्ट? वन इज इंफॉर्मेशन, अनदर इज सिस्टम. ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिवाइड कर दिया. नाउ सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज इंफॉर्मेशन. आप बताइए अब इंफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन करोगे. सो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आएंगी, यू नो, डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऐसे बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन आ रही होंगी. बट बिलीव मी, इंफॉर्मेशन का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला हम बना सकते हैं वो है, सबसे पहले जो तुम चीजें कलेक्ट करते हो, जो जमा करते हो, वो चाहे न्यूमेरिक हो और स्टेटमेंट्स हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेटा. क्या बोलते हैं हम उसको? डेटा. ठीक है, डेटा इज नथिंग बट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपने कलेक्ट किया है. पर लोग, आप कलेक्ट तो बहुत सारी चीजें करोगे, कलेक्ट तो बहुत सारी चीजें करोगे, लेकिन सारी चीजें काम की नहीं होगी. करेक्ट. सो हम लोग क्या करेंगे? प्रोसेस. क्या करेंगे? प्रोसेस. सो प्रोसेसिंग में क्या होगा? फिल्टरिंग होगा. नाउ व्हाट इज प्रोसेस? सो बेसिकली जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, अब हम उसको क्या करेंगे? मैनिपुलेट करेंगे. समझ में आ रहा है? सब्जेक्टिंग मतलब क्लासीफाई करेंगे, फिल्टरिंग करेंगे, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे. एंड अब जो यहां से आउटपुट आएगा, दैट आउटपुट इज नोन एज इंफॉर्मेशन. करेक्ट. सो बेसिकली इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट प्रोसेस डेटा. यस, इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट प्रोसेस डेटा, जिसका सिंपल फॉर्मूला है, हम ये कहते हैं कि जो हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जो हम क्या करते हैं, कलेक्ट, उसे हम बोलते हैं डेटा. फिर डेटा को हम लोग क्या करेंगे? प्रोसेस. एंड प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आएगा, दैट इज व्हाट? इंफॉर्मेशन. ठीक है. नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, अगेन छोटा सा डिस्कशन, आज की डेट पे इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? आप मुझे बताइए इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? तो उसका सिंपलेस्ट आंसर है सर, डिसीजन लेने के लिए. आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको डिसीजन लेने होते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने होते हैं, नए मार्केट में जाना होता है, डाइवर्सिफिकेशन करना होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन लेने होते हैं फॉर सर्वाइवल. तो वो सब कैसे ले? तो उन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन. लेकिन इन टुडेज वर्ल्ड, यस, जो स्केल ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इतना यूज हो चुका है कि हम लोग मैन्युअली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते. यस, देखो, डेटा को प्रोसेस करने के लिए भी सिस्टम चाहिए, एंड जो इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा फिर उस इंफॉर्मेशन को फर्दर एनालाइज करने के लिए भी सिस्टम चाहिए. समझ में आ रहा है? इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने जो सेकंड पार्ट रखा है वो है सिस्टम. नाउ व्हाट इज सिस्टम? अब सिस्टम की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, सेट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, वर्किंग टूगेदर, सेट ऑफ कंपोनेंट्स वर्किंग टूगेदर फॉर अ कॉमन गोल. अब मेरे साथ रिपीट करो ये चीज, सेट ऑफ कंपोनेंट्स वर्किंग टूगेदर फॉर अ कॉमन गोल बाय एक्सेप्टिंग इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस और यू कैन से ऑर्डर्ड प्रोसेस. नाउ सेम डेफिनेशन मैंने आपके सामने स्क्रीन पे भी रख दिया है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करना आपके, यू नो, देखो कुछ चीज हम क्या करते हैं एज इट इज रखते हैं, बट आप एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड सको, याद रख सको, तो थोड़ा बहुत चेंजेस करने का. जैसे आप देख सकते हो वहां पे मैंने लिखा हुआ है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो आप क्या करो, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर लिख दो कंपोनेंट्स, लिख लो, ठीक है, एंड वर्किंग टूगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव पब्लिक गोल. तो आपको ऑब्जेक्टिव याद रहे तो ऑब्जेक्टिव, गोल याद रहे तो गोल, बाय एक्सेप्टिंग इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट थ्रू ऑर्डर्ड प्रोसेस. ठीक है,
अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि अब हमारा चैप्टर चालू हो रहा है, हमारा सब्जेक्ट चालू हो रहा है, ठीक है। नाउ जो भी डायग्राम्स आप स्क्रीन पे देखोगे, मैं चाहूंगा कि आप लोग एक स्टिकी नोट्स परचेस करके रखो, येलो कलर के स्टिकी नोट्स, और उसमें वो डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। सेकेंड, मैं चाहूंगा कि आप एक हाइलाइटर रखो साथ में, हाइलाइटर, एक रेड कलर का पेन एंड ऑफ कोर्स पेंसिल, ठीक है। ये चार चीजें, हाइलाइटर, रेड पेन, पेंसिल एंड स्टिकी नोट्स, ये आप साथ में रखना, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाइलाइटर एंड रेड पेन तभी यूज करना जब मैं बोलूंगा, जो भी अंडरलाइन करना है, क्योंकि मैं आपको ना स्पेसिफिकली अंडरलाइन कराऊंगा कि आपको हर एक में कितनी चीजें पढ़नी है और याद रखनी है, वो आपको पेंसिल से ही करना है। समझ में आ गया, पेंसिल से ही करना है। जब मैं बोलूंगा रेड पेन यूज करो तो रेड पेन यूज करना है, हाइलाइटर बोलूंगा तो हाइलाइटर यूज करना है, ठीक है। नाउ अब आप हमें देख रहे हो, करेक्ट, सो कंट्रोल आपके हाथ में। तो अगर आपको लग रहा है कि सर ने मुझे टिक मार्क करने का टाइम नहीं दिया और सर नेक्स्ट पॉइंट पर चले गए, बट मेरे मासूम बच्चों, आप लाइव थोड़ी ना पढ़ रहे हो, आप तो मुझे वीडियो में देख रहे हो, तो आप मुझे पॉज कर सकते हो, आप मुझे रिवाइंड कर सकते हो, आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब पूरा कंट्रोल तो आपके हाथों में है, करेक्ट। बस सो अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने आपको टाइम नहीं दिया टिक मार्क करने का और मैं आगे बढ़ गया, सो कुछ नहीं, पॉज करो, थोड़ा सा पीछे आओ, फिर से देख लो। और जहां पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा, लोग क्या है कि हम जब रिकॉर्डिंग करेंगे सो हम तो आगे आगे बढ़ते रहेंगे, बट आपको क्या करना है कि जब भी आपको डायग्राम कॉपी करना है, मैं आपको बोलूंगा कि कॉपी दिस डायग्राम, सो आपको वहां पे पॉज कर देना है, प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ कर लेना है अच्छे से, एंड फिर आपको आगे प्ले करना है, वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे अब ये जो डायग्राम है ये आपको कॉपी करना है, बराबर है। सो आप कैसे करोगे, तो आप पहले क्या करोगे, ऊपर लिखोगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम, फिर इन्फॉर्मेशन सिस्टम को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, कितने पार्ट में, दो पार्ट में, बराबर है, यस और नो, दो पार्ट में, एक साइड इंफॉर्मेशन, एक साइड सिस्टम। नाउ अब इंफॉर्मेशन के अंदर आपको क्या करना है, फर्दर डेटा प्रोसेस इंफॉर्मेशन, बराबर है, वो ड्रॉ करने के लिए मुझे पॉज कर दो। जैसे ये हो जाता है फिर आप सिस्टम का, करेक्ट। सो दिस इज द वे यू हैव टू लर्न, क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अब मैंने आपको डायग्राम तो एक्सप्लेन कर दिया, अब हम लोग आते हैं हमारे कंटेंट्स में। मैंने ऑलमोस्ट जो आप तो हाथ में, आपके हाथ में नोट्स हैं, वो पूरा नोट्स कवर कर लिया है वीडियो लेक्चर्स में। सो ये आप ध्यान में रखना कि आप नोट्स से ही पढ़ने वाले हो प्रॉपरली, हम सिर्फ हेड पॉइंट्स नहीं पढ़ने वाले, हम सारे कंटेंट पढ़ने वाले हैं, उसके नीचे अंडरलाइन करने वाले हैं, जहां जहां कॉन्सेप्ट आएंगे, जहां जहां डायग्राम आएंगे, वहां पे हम डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यस, मैंने उसी हिसाब से पूरा डिजाइन किया है आपका स्लाइड। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द टिक मार्क। सो आप देख सकते हो आपके सामने टॉपिक आ चुका है, करेक्ट। नाउ अगर आप देख सकते हो मैंने उसमें लिखा भी है डेटा एंड इंफॉर्मेशन, फिर डेटा को एक्सप्लेन किया है। नाउ आप देख सकते हो अंडरलाइन सारी है, डेटा इज अ रॉ फैक्ट, कैन टेक फॉर्म ऑफ नंबर और स्टेटमेंट, मैंने आपको पहले भी डिस्कशन किया, उसके एग्जाम्पल उन्होंने दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा जो आएगा स्टेटमेंट, दिस रिक्वायर प्रोसेस, याद है प्रोसेस, एंड मैंने आपको क्या लगा प्रोसेस मतलब क्या, तो जो डेटा आया है उसको कलेक्ट करने का एंड सब्जेक्टिंग देम, आप देख सकते हो, टू ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। नाउ सब्जेक्टिंग जो वर्ड है, सब्जेक्टिंग वर्ड आप देख सकते हो सेकेंड लास्ट लाइन में, सब्जेक्टिंग के बाजू में लिख दो फिल्टरिंग, क्लासिफाइंग, सॉर्टिंग, कंप्यूटेशन, ये कोई भी दो तीन वर्ड लिख लो इसमें से, क्लासिफाइंग, सॉर्टिंग, कंप्यूटेशन, कुछ भी जो आपको लगता है, ये उस सब्जेक्टिंग का मतलब है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर अंडरलाइन। नाउ एंड ऑफ कोर्स दैट क्रिएट इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट, अब सिस्टम की डेफिनेशन इन्होंने भी दी है और हमने जस्ट अभी वो डायग्राम में ड्रॉ किया, तो आप क्या करो, ये सिस्टम के बाजू में एक स्टार मार्क ड्रॉ करो, यहाँ पे जो आपकी बुक है ना, बुक में स्टार मार्क ड्रॉ करो, एंड जो आपने नोट्स कॉपी किया, डायग्राम कॉपी किया, और जो हमने डेफिनेशन लिखा, सेट ऑफ कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर, वहां पे एक स्टार मार्क कर दो। अब एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, हमने जो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में, वो आप याद रखना, ठीक है। नाउ सो इसमें एज सच मैंने कोई टिक मार्क नहीं दिया,
लेकिन इसके एग्जैक्ट नीचे आपको एक छोटा सा दो लाइन का पैराग्राफ मिलेगा कि जो भी जेनेरिक सिस्टम होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेरिक, जेनेरिक का मतलब होता है जनरल. यस, व्हेन आई से जेनेरिक सिस्टम इट डजंट मीन कंप्यूटर्स, इट मीन्स एनीथिंग, एनीथिंग. इनफैक्ट अभी आप मुझे सेलफोन में देख रहे हो, वो भी सिस्टम है. अगर आप मुझे प्रोजेक्टर से देखते हो तो प्रोजेक्टर भी सिस्टम है. अगर आप एसी क्लासरूम में बैठे हो तो जो एसी है वो भी सिस्टम है. सो जेनेरिक मतलब जनरल, और कोई भी सिस्टम हो, क्योंकि हमने क्या बोला था, सेट ऑफ कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर, जहां पे इनपुट आएगा, आउटपुट प्रोड्यूस होगा, एक प्रोसेस होगा, ऑर्डर्ड प्रोसेस. तो उसमें देखो पांच कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये तीन तो हमेशा होंगे. लेकिन सिस्टम में हमेशा कुछ भी गड़बड़ ना हो उसके लिए हमने कंट्रोल सेट किए होते हैं. क्या सेट किए होते हैं? कंट्रोल सेट किए होते हैं. समझ में आया? एंड हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि सिस्टम में फिर भी कुछ गड़बड़ हो रही है? तो सिस्टम हमको फीडबैक देता है. क्या देता है? फीडबैक. आप बोलोगे सर जरा ये चीज प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके बताइए हमको कि ये फीडबैक एंड कंट्रोल कैसे होगा. चलो, आप सबको पता है कि आप सब जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म, सो याद करो वो फॉर्म में बहुत सारे फील्ड आपको फिलअप करने हैं. अगर आपने कोई भी जो कंपलसरी फील्ड होता है वो फिलअप नहीं किया, और अगर आपने सबमिट पे क्लिक किया, याद करो सबमिट होता है नहीं होता है, सबमिट होता है नहीं होता है, फिर से आपके स्क्रीन पे आता है और आपको बताता है प्लीज फिल द रिक्वायर्ड फील्ड्स, प्लीज फिल द रिक्वायर्ड फील्ड्स, वो रेड कलर से आता है ना, और फिर आपको सब भरना पड़ता है. वो सिस्टम आपको फीडबैक दे रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ की आपने. और वो फीडबैक कब दे सकता है? जब आपने सिस्टम के अंदर कंट्रोल सेट किए हो कि ये फील्ड जो है वो कंपलसरी आने चाहिए. अगर नहीं आ रहे हैं तो यूजर को प्रॉम्प्ट करो. ठीक है ना? अगेन लुक, ये सब चीजों पे कोई क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन ध्यान रखना ये सब चीजों पे ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं. समझ में आ रहा है? सो आपको ऐसा क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में कि एक जो जेनेरिक सिस्टम होती है उसमें पांच कंपोनेंट होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, कंट्रोल एंड ब्लैंक, और नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे. तो आपको ये स्टेटमेंट याद होगा तो मालूम पड़ेगा ना. सो ये स्टेटमेंट के बाजू में लिख देना ऑब्जेक्टिव. यस, ये जो हमने किया अभी जेनेरिक सिस्टम में पांच कंपोनेंट्स होते हैं, वहां पर लिख दो ऑब्जेक्टिव. ठीक है ना? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एंड यू विल गेट नेक्स्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि द टर्म इन्फॉर्मेशन सिस्टम रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी. और अगेन उन्होंने भी देखो आपकी बुक में इन्फॉर्मेशन एंड सिस्टम को बायफर्क करके दिखाया है, हमने वो ऑलरेडी पढ़ लिया है. सो इसमें ऐसा कुछ टिक मार्क नहीं है. एंड लुक गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लर्न करनी है हमारे सब्जेक्ट में EIS में, हमें अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है. यस, हमें अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है, इस चीज पर करना है. समझ में आया? तो ऐसे तो बहुत सारे कंटेंट होंगे, हम सारे कंटेंट अगर पढ़ने बैठे जो काम के भी नहीं हैं, तो हम लोग से क्या हो जाएगा, कई बार फ्रस्ट्रेशन में जो काम के कंटेंट है वो स्किप हो जाएंगे. समझ में आया? तो दिस इज जस्ट व्हाट बेसिक इन्फो. अब इसके बाद हमारा मेन डेफिनेशन आ रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम. क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा, अलग अलग पढ़ा, इंफॉर्मेशन अलग कर दिया, सिस्टम अलग कर दिया. बट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेफिनेशन क्या है. सो मैं बोलता हूं एकदम सिंपल बच्चों, एकदम सिंपल. इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं जो पांच नाम बोलूंगा वो याद रखना, क्योंकि वही पांच नाम बार बार आगे आएंगे, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क. फिर से बोलो, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बोलो मेरे साथ, बोलो, रिपीट करो थोड़ा बोलने का, ताकि जब आप मुझे देख रहे हो तो सोना आ जाओ. क्योंकि क्या होता है, जब थियोरी सब्जेक्ट होता है ना बच्चों, तो आफ्टर सर्टेन टाइम है ना, हमारी आंखें हमें धोखा देती है. यस, सच्ची में, बिलीव मी, थियोरी सब्जेक्ट ही वैसा होता है, और उसमें भी IT बच्चों, जिसमें पहले से एक मेंटल ब्लॉक होता है हमें, IT ऐसा मेंटल ब्लॉक. सो और यू नो आंखें गहरी हो सकती हैं. और गलती से भी ना बच्चों, खाना खाने के बाद तो मुझे मत देखना, क्योंकि खाना खाने के बाद आपको लगेगा कि मैं लोरी गा रहा हूँ और आपको लेके जा रहा हूँ सपनों की दुनिया में. चलो, मजाक कर रहा था मैं. सो अगेन, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बोलो,
पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क. अब जो मैंने वर्ड बोले ना वही वर्ड को आपको टिक मार्क भी करना है, ठीक है. नाउ दैट प्रोसेसेस डेटा टू जनरेट इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. नाउ दिस इज व्हाट द डेफिनेशन, एंड वही चीज आपके स्क्रीन में है, ठीक है. सो आप देख सकते हो मैंने टिक मार्क भी वही किया है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डेटा रिसोर्सेस, ठीक है. और एक छोटा सा करेक्शन करना, आपको डेफिनेशन मैंने क्या बोला, डेटा रिसोर्सेस के बाजू में देखो दैट प्रोसेसेस, फिर पूरा ब्रैकेट आता है, ठीक है. और जैसे ब्रैकेट क्लोज होता है डेटा बढ़ाता है, दैट प्रोसेसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन. सो यू कैन सी यहां पे, ये दिख रहा है आपको ये वर्ड एंड, बस इस वर्ड को कैंसिल करो. हाँ, ये वर्ड कैंसिल करके यहां पे लिखो, इस वर्ड के बदले लिखो टू जनरेट. कैन यू सी दिस वर्ड एंड, डेटा एंड, एवरीवन, यस, इसके बदले आपको लिखना है टू जनरेट. परफेक्ट बैठेगा, टू जनरेट इंफॉर्मेशन फॉर अ, देखो दिख रहा है, स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है. नाउ ये हमने डेफिनेशन किया, और आप देख सकते हो नीचे क्या लिखा हुआ है कि इन जनरल एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम एम्स टू सपोर्ट ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है. अगेन इंट्रोडक्शन पार्ट था. नाउ फिर से कुछ चीजें आ रही हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, आप देख सकते हो. एन इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज ऑफ पीपल. मैंने अभी अभी आपको डेफिनेशन बताया, कौन सा डेफिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क, बराबर है. अब उन्हीं चीजों को इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या किया है, ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है. मतलब पीपल मतलब कौन, तुम बोलोगे पीपल मतलब सर ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, करेक्ट. लेकिन वहां पे क्या लिखोगे, एंड यूजर्स, आई स्पेशलिस्ट. हार्डवेयर मतलब मशीन एंड मीडिया, सॉफ्टवेयर मतलब इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स, डेटा, और नाउ डेटा कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी इमेज, इट कैन बी वीडियो. नेटवर्क, नेटवर्क मीन्स व्हाट, इट कैन बी लैंड, इट कैन बी वैन, समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो उसका यहाँ पे एक ब्रीफिंग दिया हुआ है, पर मैं चाहूंगा कि आप इस पैराग्राफ को, ये जो पैराग्राफ आपको सामने दिख रहा है वहां पे आप आर लिख दो, यस, बाजू में आर लिख के सर्कल कर दो उस पर. अभी आप सोचोगे सर लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इस पैराग्राफ के बाजू में आर लिख के सर्कल करे, बट इसका मतलब, आर का मतलब होता है रीड, और रीड का मतलब होता है सिर्फ गो थ्रू कर देने का, उस पर टाइम पास नहीं करने का. मैंने आपको क्या समझाया, हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है उन चीजों पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो ये पैराग्राफ को हमें आर लिखना है. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर लिखो, उस पर सर्कल कर दो. आर का मतलब रीड होता है, रीड ओनली, रीड ओनली मतलब एक बार सिर्फ गो थ्रू करने का, उस पर टाइम पास नहीं करने का, उस पर सोचने का नहीं, उसके अंदर कोई वर्ड नहीं समझ में आए तो जिग्ने सर को याद करने का, समझ में आया, यस, आई विल बी ऑलवेज देयर. या बिंदास याद रखना कि मैं आफ्टर सेल सर्विस में बहुत स्ट्रांग हूँ बच्चों. आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट सिंस 11 ईयर्स. आई हैव टॉट मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स इन माई करियर, मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स. सो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ह्यूज एक्सपीरियंस होगा, एंड मैं 99.99% क्वेश्चंस को, क्वेरीज को रिप्लाई करता हूँ. तो लेकिन सर 0.01% क्यों नहीं रिप्लाई करते, क्योंकि वो एसएमएस में ये लिखा होता है सर हम कौन सा चैप्टर छोड़ के जाए. सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल एग्जाम में बैठे हैं और वहां पे आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए. सो आई कैन नॉट गिव यू एडवाइस कौन सा चैप्टर छोड़ के जाए, बस ऐसे एसएमएस को मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है. खैर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों. नाउ अब देखो मैंने एक छोटा सा, आप देख सकते हो हेडिंग लिखा हुआ है, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल कंप्रेसेस फॉलोइंग स्टेप्स, दिख रहा है आपको ऐसा. हाँ, अब कोई भी सिस्टम हो उसमें बेसिक स्टेप्स क्या होंगे, तो तीन ही होते हैं बेसिक स्टेप, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है. इनपुट का मतलब क्या होता है, डेटा कलेक्ट करना. अब कहां से कलेक्ट करोगे, या तो इंटरनल सोर्सेज से या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से. अच्छा, कलेक्ट करने के बाद आप सीधा सिस्टम में नहीं डाल सकते, आपको उसे प्रोसेस करके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लाना पड़ेगा और फिर आप डेटा सिस्टम में डालोगे. अच्छा, जैसे आपने सिस्टम में डेटा दिया, मतलब इनपुट हो गया, तो अब काम आएगा प्रोसेसिंग का. अब प्रोसेसिंग का काम क्या होगा, प्रोसेसिंग, अभी थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम ड्रॉ किया था,
कि जो डेटा आया उसको मैनिपुलेट करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना. सो इट्स बेसिकली स्टेप्स व्हिच विल कन्वर्ट योर इनपुट टू आउटपुट, करेक्ट. एंड थर्ड आउटपुट. अब आउटपुट में भी एक्चुअली दो पार्ट है. यस yes, पता है क्यों? बिकॉज कई बार आउटपुट हम इमीडिएटली यूज करते हैं और कई बार हम आउटपुट को फ्यूचर में यूज करते हैं. सो अगर हम आउटपुट को फ्यूचर में यूज करेंगे तो हम उसको स्टोर कर देंगे स्टोरेज में, समझ में आया. और अगर हमें उसे इमीडिएटली यूज करना है विच मीन्स आपको रिपोर्ट्स चाहिए, तो ऑब्वियसली देखो आउटपुट जो है ना वो रॉ फॉर्मेट में होगा, तो हम क्या करते हैं उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में पहले अरेंज करते हैं. एग्जाम्पल अब बैलेंस शीट, तो फॉर्मेट हुई जिसमें एक साइड लायबिलिटी तो एक साइड एसेट्स, फिर उसमें भी बायफर्केशंस. हम ये फॉर्मेट में अरेंज इसीलिए करते हैं ताकि जो यूजर उसको पढ़ेगा उसको समझेगा, अंडरस्टूड. सो उसको बोलते हैं आउटपुट, मतलब फिजिकल आउटपुट. यस, तो आउटपुट में दो है, या तो हम फ्यूचर के लिए स्टोर करेंगे या फिर हम उसको फिजिकल फॉर्म में रिपोर्ट फॉर्म में दे देंगे, ठीक है. सो यही चीजें आपके सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हो इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है. नाउ सो इनपुट में मैंने जो अंडरलाइन किया, आउटपुट में अंडरलाइन किया एंड प्रोसेस में अंडरलाइन किया. ठीक है, चलो. सो यहां पे हमारा एक बेसिक छोटा सा टॉपिक भी कवर किया. अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, जैसे तुम देखो मैंने पहले से ही पहले से ही कुछ टॉपिक को अब मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है. लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप है ना पूरा आईटी है ना क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही करो. सही बात है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका एक बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए मैंने क्या किया कि रखा थियरी पूरा, जिसमें इंट्रोडक्शन भी आता है ताकि तुमको बैकग्राउंड समझ में आ जाए, और फिर जो उनके हेडिंग थे उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चंस में, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर की भी फीलिंग आ जाए, प्लस आप जो थियरी पढ़ रहे हो बैकग्राउंड से लेके फाइनल आंसर तक वो भी आपको समझ में आए. सो आप देख सकते हो कि एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है कि सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब इसमें बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं. कितने पॉइंट्स हैं? 5, ठीक है. एंड आप देख सकते हो 5 पॉइंट्स, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि ये 5 पॉइंट्स में याद क्या रखना है, और ये आंसर याद रखने के लिए भी रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है. बिलीव मी, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है. यस, अब लो सर कैसे? चलो सिंपल, हमने डेफिनेशन क्या बोली थी, जरा याद करो डेफिनेशन. सिस्टम, बोलो, सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स वर्किंग टूगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. कुछ याद आया? कॉमन ऑब्जेक्टिव, विच मीन्स हमारा फर्स्ट पॉइंट देखो, सिस्टम ऑलवेज वर्क फॉर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. क्योंकि ऑब्जेक्टिव पहले सेट होता है फिर सिस्टम बनती है ना उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए. सिंपल. सेकेंड, अगेन डेफिनेशन, सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स. सेट ऑफ कंपोनेंट्स मतलब सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना. लुक एट द सेकेंड पॉइंट, सेवरल इंटर रिलेटेड सब सिस्टम. सब सिस्टम मतलब अपने कंपोनेंट, एंड दैट्स वाई नो सब सिस्टम मतलब कोई भी कंपोनेंट अकेले में काम नहीं कर सकता, आइसोलेटेड काम नहीं कर सकता, साथ में काम करना है. थर्ड, अब जब हमने डेफिनेशन क्या बोला, सेट ऑफ कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल. अब साथ में काम करना है और साथ में मिलकर गोल अचीव करना है, तो कोई भी एक सब सिस्टम और कंपोनेंट फेल हुआ तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टैंड स्टिल, रुक जाएगा. फोर्थ, हमने फिर से डेफिनेशन बोलो, क्या बोला डेफिनेशन, सेट ऑफ कंपोनेंट्स वर्किंग टूगेदर. अब वर्किंग टूगेदर मतलब समझ में आता है, साथ में काम करने तो उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, एक्सचेंज करना पड़ेगा ना डेटा. देखो फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, सिस्टम है ना, सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स. देखो ऑब्जेक्टिव्स है ना, ऑब्जेक्टिव्स वो सिस्टम का है. ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, नवकार एकेडमी, तो नवकार एकेडमी का ऑब्जेक्टिव क्या है, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना, नवकार एकेडमी का. लेकिन वो ऑब्जेक्टिव्स कौन फुलफिल करता है, प्रोफेसर्स,
मतलब कंपोनेंट्स ऑफ नवकार एकेडमी. तो नवकार एकेडमी के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब सारे प्रोफेसर्स, हम सब मिलके काम करेंगे, सारे कंपोनेंट्स मिलके काम करेंगे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल ऑफ सिस्टम. ऑलवेज रिमेंबर, गोल सिस्टम का होता है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स को सिस्टम के गोल को अचीव करने के लिए काम करना है. एंड दैट इज व्हाट योर लास्ट पॉइंट. समझ में आया? यस. सो ये आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब यहां पे एक इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो रहा है. हमने पढ़ा व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो स्टेप्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ वी हैव लर्न द बैकग्राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है. एंड नाउ we are starting with the one of the most important part of this chapter, which is of course nothing but the components. System we understood, system ko humne samajh liya, information ko bhi samjha, data ko bhi samjha. Ab hame samajhna hai ki ye information system ke andar jo alag alag components hote hain use samajhna hai. But again before going for components humko ek chhota sa question samajhna hai aur wo question hai what are the different types of information system. यस, अभी देखो तुम्हारी बुक में ये क्वेश्चन मैंने अभी लिख दिया है, बना दिया है. सो आपको क्या करना है अब? यस, अब हाईलाइटर यूज करना, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर देना. समझ में आया? यस, क्वेश्चन को भी हाईलाइट कर दो. तुमने कहा सर क्यों, वो तो ऑलरेडी कलर में है. देखो मैं ना नहीं बोल रहा हूं, बट हाईलाइटर से क्या एक अलग ही इंपैक्ट आती है माइंड पर. जैसे हाईलाइटर देखा ना बच्चों तो उसे क्लिक होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है. समझ में आया? प्लस मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है क्या बोलते हैं, सर एग्जाम में ना क्वेश्चन ही क्लिक नहीं हुआ. अभी आप सोचो, आप पढ़ाई जब करते हो तो आप क्या करते हो, आप टॉपिक का नाम एक ही बार पढ़ते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक बार पढ़ा. अब इसके अंदर चार आंसर है, ठीक है, वो चार मतलब चार पॉइंट है. तो चारों पॉइंट को आपने एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऐसे तीन चार बार रिवाइज किया. आपने आंसर को तीन चार बार रिवाइज किया बट क्वेश्चन तो एक ही बार पढ़ा था ना. अभी आपको भी पता है कि अगर आपको आंसर याद रखना है तो उसको चार पांच बार रिवाइज करना पड़ेगा. तो कॉमन सेंस जो क्वेश्चन है उसको भी तो रिवाइज करना चाहिए था ना. समझा? सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग कि क्वेश्चन को भी क्या करना चाहिए था, हमें क्या बोलो, क्या करना चाहिए था, रिवाइज करना चाहिए था. सो आज से अपने दिल को कह दो कि भाई जितनी बार मैं आंसर रिवाइज करूंगा उतनी बार मैं क्वेश्चन भी रिवाइज करूंगा. समझ में आया? चलो, सो अब पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो हमारे पास चार सिस्टम्स हैं, जैसे आप देख सकते हो आपके पैराग्राफ में, मैनुअल, इनफॉर्मल, फॉर्मल आपको दिख रहा होगा, एंड हमने जो पढ़ा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब फर्स्ट आप देख सकते हो मैनुअल. सो मैनुअल मतलब जो आप क्लासरूम में करते हो, पेन, पेंसिल, पेपर, ड्रॉ मारते हो, लाइन मारते हो, लाइन, अरे अंडरलाइन, अंडरलाइन करते हो, स्केल से ड्रॉ करते हो, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. मैंने ऐसे इनफॉर्मल मतलब हम जब किसी को बोल रहे हैं ऐसे, यू नो, माउथ टू वर्ड्स. जब मैं बोलता हूँ फॉर्मल, फॉर्मल मतलब सुनिए सर नोटिस बोर्ड लगा के कैसे रखा होता है, बाय ऑर्डर ऐसे ही करना है, मोबाइल यूज नहीं करना है, बाय ऑर्डर, इसको फॉर्मल बोलते हैं, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. एंड फोर्थ जो हमारा आ रहा है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. क्या आ रहा है? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमको पढ़ना है. मतलब ये चारों में से हमको क्या पढ़ना है? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो हमारे पास चारों कौन सी हैं? मैनुअल, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है. अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं. एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते इतना डिटेल में, वो धनाधन ऊपर ऊपर से उड़ाते हैं. इसीलिए जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ भाई मुझे पावर पॉइंट में पढ़ाना है, बट मैंने मेक श्योर किया कि हमारे चैप्टर के सारे कंटेंट हमारे पावर पॉइंट में होने चाहिए. अंडरस्टूड? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो और आपने अंडरलाइन भी कर ली हो, ठीक है. नाउ अब आप देख सकते हो फिर से एक छोटा सा पैराग्राफ आ रहा है जिसमें से उन्होंने यही समझाया है कि अब जो पूरा बिजनेस वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है, जहाँ पे पीपल टेक्नोलॉजी यूज करके बिजनेस कर रहे हैं. So, उस पर इतना जोर देने की जरूरत नहीं है नॉर्मल रीडिंग के लिए, ठीक है. एंड देन आप देख सकते हो मैंने अंडरलाइन किया है वहां पे नॉर्मल,
अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ब्रीफ। ब्रीफ मतलब एक एक लाइन, पांच कंपोनेंट के नाम लिखे हुए, और आप देख सकते हो कि वो पांचों के पांचों कंपोनेंट वही है, वही मतलब जो हमने डेफिनेशन में पढ़े थे, पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क। आई होप आपको दिख रहे हो, बुक में दिख रहे हैं ना, स्लाइड में भी आएगा, फर्स्ट आ रहा है। देखो, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्राइसेस ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन सपोर्ट। मैंने डेफिनेशन की बात की, अब सबसे पहले आ रहा है पीपल। अब बिलीव मी, ये जो आंसर है ना, यहाँ पे प्लीज कुछ रट्टा बट्टा मत करो यार। अगर आपको यहाँ का वर्ड टू वर्ड नहीं भी आता रहे ना, तो भी पीपल मतलब समझ में आना चाहिए। पीपल मतलब कौन? मनुष्य। कौन से मनुष्य? आईटी एक्सपर्ट हो सकते हैं, ऑडिटर्स हो सकते हैं, एंड यूजर हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकते हैं, सिस्टम को डेवलप करने वाले हो सकते हैं, उसको मेंटेन करने वाले हो सकते हैं, मतलब एनीवन जो सिस्टम को यूज करना जानता है, वो सब तुम्हारे पीपल में आ गए। इसमें रट्टा मारने का ही नहीं, बिलीव मी, रट्टा मारोगे ना तो मर जाओगे। कुछ चीजें हमेशा लाइफ में याद रखने का, लॉजिकली याद रखना सीखो, ठीक है ना। ये था तुम्हारा पीपल। सेकेंड देखो क्या आ रहा है, हार्डवेयर। अब हार्डवेयर मतलब क्या? सो आपको ना स्कूल में सिखाया होगा, हार्डवेयर मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंड ऑब्वियसली इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मतलब कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, माइक, स्पीकर, ये सब आपके हार्डवेयर हो गए। अब आ रहा है सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सो ऑलवेज रिमेंबर, हार्डवेयर कैन नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली। यस, एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। यस, इसीलिए बच्चों सॉफ्टवेयर के लिए मैं एक हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि अगर आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं उसको? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मैं ये बोलता हूं, डब्बा है तेरा फोन डब्बा है, क्योंकि जिस फोन में या जिस लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो, वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया? अब विंडोज है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ऐसे कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड है, iOS है ना। सेकेंड, चलो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है सिस्टम को रन करवाना, लेकिन यूजर को जिन प्रोग्राम पे काम करना है, यूजर को अपना पर्पस फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर में काम करना है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड, एक्सेल, टैली, पीडीएफ जो हम लोग ओपन करते हैं, एक्रोबिट रीडर, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। एंड थर्ड होता है, जो एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है, वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। नाउ व्हाट इज यूटिलिटी प्रोग्राम्स? तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स है ना, ये कोई आपके लिए नया डेटा जनरेट नहीं करेंगे। यस, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपके लिए कोई नया डेटा जनरेट नहीं करेंगे, बट ये आपके डेटा को हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ना सर, कैसे? एग्जाम्पल दो। जैसे आप लोगों ने विन रेयर या विन जिप यूज किया होगा, पता है, फाइल्स को कॉम्प्रेस करने के लिए, विन रेयर, विन जिप। अब तुम्हें कोई विन रेयर या विन जिप, ये जो एप्लीकेशन है, दिस इज नॉट गोइंग टू क्रिएट सम न्यू डेटा, वो आपके डेटा को ही ऑर्गेनाइज करने में आपको हेल्प कर रहा है, जैसे उसकी साइज कम करने में हेल्प कर रहा है, या समझो अगर आपको अटैचमेंट भेजना है, अब आपके पास 10 फाइल है, अब 10 फाइल को अटैचमेंट मतलब वो सिंगल सिंगल अटैचमेंट करना पड़ेगा, कितना कंटाला। तो आप क्या करो, बिफोर गोइंग फॉर अटैचमेंट, 10 फाइल को विनजिप के थ्रू और विन रेयर के थ्रू एक ही फाइल में कन्वर्ट कर दो। एक ही फाइल में मतलब वो उसको सिर्फ क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। विनजिप एक कंटेनर बनाएगा, और उसके अंदर 10 फाइल साथ में आ जाएंगी, और फिर आप उसको अटैचमेंट करके भेज दो। अब सामने वाला क्या करेगा, अनजिप करेगा, तो सारी फाइल्स फिर से बाहर आ जाएंगी अलग अलग। बस दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। अच्छा, पीपल हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर भी हो गया, डेटा तो हमने पहले ही किया था कि डेटा इज अ रॉ फैक्ट। मैंने आपको ये भी कहा था कि डेटा टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है। एंड लास्ट आएगा नेटवर्क। आप सबको पता है बच्चों, आपके पास जो सेलफोन है और सेलफोन में जो नेटवर्क है बच्चों, नेटवर्क स्पेशली उसमें जो आप इंटरनेट यूज करते हो, क्या यूज करते हो? इंटरनेट फॉर कम्युनिकेशन। याद करो सबको जो मैसेज करते हो ना,
कहाँ हो, आपकी बड़ी याद आ रही थी. तो दैट इज योर फिफ्थ कंपोनेंट, नेटवर्क. अब इंटरनेट जो है वो तो सबको ही पता है, लेकिन उसके अलावा भी देखो वहां पे दो पॉइंट और है, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट. थोड़ा सा मैं आपको इस चीज पे ब्रीफिंग करूंगा, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, यूजिंग वन डायग्राम. ठीक है, सो जस्ट ये टिक मार्क, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं बच्चों. नाउ आप देख सकते हो मैंने आपको दिखाया है कि मेरे पास तीन अलग अलग ब्रांच एंड हेड ऑफिस, ऐसे तीन लोकेशन है. सो मुंबई इज माई हेड ऑफिस, दिल्ली ब्रांच, चेन्नई ब्रांच. अच्छा, ऑफिस के अंदर, ऑफिस के अंदर जो आप छोटा सा नेटवर्क क्रिएट करते हो उसको हम बोलते हैं लैन. यस, ऑफिस के अंदर, जैसे ये मेरा ऑफिस है अभी जहां पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, समझो मेरा ऑफिस है. या आप जहां पे बैठे हो क्लासरूम में, अपने घर पे, ऐसा सोचो कि वो आपका ऑफिस है, वहां पे 10-15 कंप्यूटर्स हैं, तो जो एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं उसको हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. लेकिन जरा आप सोचो, लोकल एरिया नेटवर्क तो हम क्रिएट कर सकते हैं, पर एक ऑफिस मेरा मुंबई में है, एक ऑफिस मेरा दिल्ली है और एक ऑफिस चेन्नई है. मुंबई इज द हेड ऑफिस, दिल्ली एंड चेन्नई ब्रांच ऑफिस. और आपको तो पता ही है क्योंकि आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हो, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, वो तो हेड ऑफिस में ही बनता है ना. तो ब्रांच ऑफिस को अपना डेटा देना पड़ेगा हेड ऑफिस को, तो डेटा क्या उड़ते उड़ते आएगा? नहीं ना. और इतना बड़ा नेटवर्क पूरे इंडिया में, इतना बड़ा नेटवर्क तो हम प्राइवेटली बना भी नहीं सकते ना, खर्चा कितना होगा. दूसरा, गवर्नमेंट परमिशन भी तो नहीं देगी ना. सो उस टाइम पे जो नेटवर्क क्रिएट होता है वो नेटवर्क को हम बोलते हैं इंटरनेट. जो आपको वैन दिख रहा है, वैन, इंटरनेट बोलते हैं हम उसको. यस, ठीक है. बट अगेन ध्यान से सुनना, इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क, इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क. सो अगर आपको आपके तीनों ब्रांच के अंदर, जो आपको दिख रहा है मैंने दो लाइन बना दी है वो एरो के साथ जो आ रहा है, सिक्योर कम्युनिकेशन करवाना है ओवर इंटरनेट. इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क, बट इंटरनेट को भी आपको सिक्योर करना है, एंड आपका जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन ही एक्सेस कर सके. तो आप देख सकते हो मैंने बनाया इंट्रानेट, जो आपको सेंटर में दिख रहा है, दिल्ली के नीचे दिख रहा है, देखो इंट्रानेट. लेकिन समझो कल उठ के आपको किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना है, तो जब आप जॉइंट वेंचर करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बिग फॉर्म, किसी भी बिग फॉर्म के साथ आपको जॉइंट वेंचर करना है, सो ऑब्वियसली हमें उनके साथ और उन्हें हमारे साथ डेटा शेयर करना पड़ेगा. अगेन डेटा कैसे शेयर करेंगे? ओवर इंटरनेट. बट इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क, विच मीन्स जो भी डेटा इंटरनेट पे सर्व होगा वो किसी को भी दिखेगा. सो जब दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जो ऊपर है वो हमारा नेटवर्क है एंड जो नीचे है वो बिग फॉर्म का नेटवर्क है, दिख रहा है आपको ऐसा, उनके बीच में जब मुझे सिक्योर नेटवर्क बनाना है तो हम उसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट. सो अगेन तीन टर्म, जब रिमोट लोकेशंस को कनेक्ट करना है, रिमोट लोकेशंस को, तो उसके लिए होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, विच इज नथिंग बट इंटरनेट. नाउ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मुंबई दिल्ली हेड ऑफिस, मुंबई इज द हेड ऑफिस, दिल्ली एंड चेन्नई इज अ ब्रांच ऑफिस, इनके बीच में मुझे अगर सिक्योर नेटवर्क क्रिएट करना है तो इंट्रानेट. एंड दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जैसे आप देख सकते हो ऊपर मेरा है और नीचे जो बिग फॉर्म है, ये जो आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच में जो हमने बनाया, जो आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रानेट, करेक्ट. अब ये जो डायग्राम है ये सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट में क्या फर्क है. ऑलवेज रिमेंबर, इंटरनेट इज योर फिजिकल नेटवर्क. इंटरनेट, हाँ, वो एस्टैब्लिश्ड केबल्स है, मतलब पूरे इंडिया में ऐसे केबल्स बिछाए हुए हैं, सच बोलो तो पूरे वर्ल्ड में, वो फिजिकल नेटवर्क है. इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट इज अ नेटवर्क व्हिच इज क्रिएटेड ओवर इंटरनेट. यस, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट कोई फिजिकल नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट पे ही वो क्रिएट किया जाता है एंड यूजर को वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि उनके डेटा सिर्फ और सिर्फ वो, उनके एम्प्लॉइज या फिर उनके पार्टनर्स ही एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, पक्का? सो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लो अपने बुक में. एग्जैक्टली जो भी हमने जो टॉपिक किया नेटवर्क, जो लास्ट पॉइंट पढ़ा, वहां पे इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट जो लिखा हुआ है वहां पे ड्रॉ कर लो. ठीक है, सो यहां पे मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ब्रीफ, फर्स्ट पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बोलो, डेटा एंड नेटवर्क, और कैन से कम्युनिकेशन, ये मैंने आपको ब्रीफिंग में समझाया. और अब हमारी
पिक्चर चालू हो रही है, क्या चालू हो रही है, पिक्चर चालू हो रही है, ठीक है। आई होप आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा और एग्जैक्टली तुम देखो उसके नीचे हमारी पिक्चर फिर से चालू हो रही है, ठीक है ना। सो जैसे मैंने आपको कहा कि हमने एक ब्रीफिंग पढ़ लिया है किस चीज का, कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड वी नो दैट पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क। अब ट्रेलर खत्म हो गया है बच्चों, टीजर, अब हम पिक्चर चालू कर रहे हैं। ऑब्वियसली पिक्चर का सबसे पहला पार्ट हमारा क्या था, पीपल। मैंने आपको पहले समझाया पीपल इज ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज ऑपरेट वही करते हैं, ठीक है। प्लस मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पीपल मतलब हर वो मनुष्य जो या तो सिस्टम क्रिएट करता है या मेंटेन करता है या डेवलप करता है या उसको यूज करता है, हर कोई इसमें आएगा। प्लीज इसको रट्टा मारने की सोचना मत, ठीक है, जस्ट टिक मार्क कर लो एंड आगे बढ़ते हैं। ठीक है नाउ अब आ रहा है कंप्यूटर सिस्टम। अगेन बच्चों फिर से इसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब अगेन वो बैकग्राउंड ले रहे हैं। नाउ हार्डवेयर मैंने आपको समझा दिया था जिसको हम टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल होता है, जिसको हम फील कर सकते हैं। फिर हार्डवेयर के अंदर कीबोर्ड, माउस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, फिर से वही चीज उन्होंने एक्सप्लेन की, आप देख सकते हो। बराबर है, इसके बाद वापस आ रहा है सॉफ्टवेयर। अगेन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल होते हैं। हार्डवेयर अपने आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हार्डवेयर अपने आप प्रोसेस नहीं कर सकते, हार्डवेयर को काम कराने के लिए उनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे दो पार्ट है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, iOS, एंड्रॉयड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, PDF रीडर, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो अगेन इसके अंदर ऐसा सच कुछ खास नहीं है, सो आप प्लीज टिक मार्क करके आप आगे बढ़ जाना। ठीक है, एंड देन अब वापस चालू हो रहा है हार्डवेयर। यस, अब टेंशन मत लो, कुछ चीजें रिपीट होगी बट बाकी सब चीजें नहीं है।